पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रस्तावित रैली के कार्यक्रम स्थल की NOC लेने के संबंध में समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव के नेतृत्व में SDM सिटी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया जा सके। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 11 से 13 मई तक गोरखपुर में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में सपा मुखिया अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती की संयुक्त रैली होना है, जिसके तहत 11 मई को पिपराइच विधानसभा के जीतपुर बाजार में, 12 मई को सजनवा में तथा 13 मई को तारामंडल स्थित चंपा देवी पार्क में रैली प्रस्तावित है, जिसके लिए सपा के जिला अध्यक्ष ने ADM सिटी से मुलाकात करके NOC मांगी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का आगमन 13 मई को गोरखपुर में होगा और बहन कुमारी मायावती जी भी उस रैली में शरीक होंगी, संभवतः चौधरी अजीत सिंह साहब भी आएंगे। उसी मैदान के NOC के लिए हम लोगों ने ADM सिटी को दिया है कि उसका NOC दिया जाए। GDA में उसका चूँकि पेमेंट देना होता है मैदान का, तो GDA ने इनसे NOC मांगा है। NOC मिलने के बाद वहाँ से वो उस दिन के लिए आरक्षित हो जाएगा, वही वहाँ ऑर्डर दिया गया है। यहाँ पर कितने दिन होगा कार्यक्रम? ये कार्यक्रम 13 मई को संयुक्त होगा और 11 और 12 मई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले कार्यक्रम करेंगे। स्थान चिन्हित हो गया है। हम लोग पिपराइच विधानसभा का जीतपुर बाजार, वह 11 मई को होगा और 12 मई को हम लोगों का सजनवा में होगा, 13 मई को चंपा देवी पार्क मैदान में गोरखपुर में होगा संयुक्त रैली।